है। राज आगे बढ़ते हैं और हम बात करते हैं कोट डेली से, जहां पर फतेह मोहब्बत में लाशारी बिरादरी के दो ग्रुपों में प्लॉट के तराजे पर झगड़ा हुआ है और इस झगड़े में डंडों और हिंटों का आजादाना इस्तेमाल किया गया है। बताया जा रहा है कि दो खवातीन और एक शख्स जो है वो इसमें जख्मी हुए हैं, जिन्हें फौरी तौर पर अस्पताल मुंतकिल किया गया है। यकीनी तौर पर यह एक अफसोसनाक वाक़ वहाँ पेश आया है, जिसके हम तफसीलात लेंगे गुलामुल्लाह सियाल से। गुलामुल्लाह, क्या बताएंगे इस हवाले से आप? जी बिल्कुल, कोटली जी के करीब ये गांव है फतेह मोहम्मद लाशारी, जहाँ पर लाशारी बिरादरी के दरमियान आपस में प्लाट के मामला पर झगड़ा हुआ है। दोनों ग्रुपों की जानिब से एक दूसरे पर डंडों और ईटों का जो है ना अजादाना इस्तेमाल किया गया, जिसके बाद दो खवातीन मुस्मात कर्मा और मुस्मात लाली और एक मर्द मोहम्मद लाशारी शरीफ जख्मी हो गए हैं, जिन्हें कोटली अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। जख्मियों ने मीडिया को बताते इल्जाम आयद करते हुए कहा कि कोटली जी पुलिस को कई बार इतला दी मगर रज्जब लाशारी एजाज लाशारी प्लाट पर कब्जा करना चाहते हैं, मगर कोटली जी पुलिस ने एक भी नहीं सुनी। पुलिस की लापरवाही के बायस ये झगड़ा हुआ है। इन्होंने मजीद कहा कि कुछ दिन पहले एसएसपी खरपुर उमर तुफेल खान साहब को जो है ना कंप्लेन दी थी, जिस पर एसएचओ थाना कोटली गुलाम अब्बास सुंदरानी को मामला को हल करने का हुक्म भी दिया गया था, मगर एसएचओ थाना कोटली गुलाम अब्बास सुंदरानी कोई कार्रवाई नहीं की, जिसके बायस ये झगड़ा हुआ है। और मैं आपको बताता चलूँ कि कोटली जी पुलिस की इसी लापरवाही की वजह से इलाका में मुख्तलिफ किस्म के झगड़ा जो है ना रोज का मामूल बन चुके हैं। जी ठीक है, गुलामुल्लाह हमारे साथ आप मौजूद थे और अब वहाँ की सूरत हाल हमारे नाज़रीन को बता रहे थे। नाज़रीन, हम आगे बढ़ते हैं डेरा गाज़ी खान से, खबर आपके सामने।